साथ शिवांश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा मर्यादा का थोड़ा संयम रख के हमें लगता है हमें बात करनी चाहिए। उन्होंने चिंटू पिंटू प्रवक्ता ऐसा बोला, इनकी पार्टी का चाल चरित्र होगा। मुझे इससे खेद है, मैं उसको व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ऑपरेशन लोटस नहीं, आपने भी खुद बोल दिया इस चीज को। देखिए आप बोल रहे थे मैं शांत था, अजय जी मैं बोलूंगा फिर दीजिए, बौखलाहट होगी, बौखलाहट होगी, बौखलाहट होगी, क्योंकि राहुल गांधी बस में चल रहे तो आप सोचते हैं यहाँ पे भी हाईजैकिंग चल जाएगी। इनको भी पता है, सबको पता है कि सरकार भाजपा की रिपीट हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पुनः 400 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, घबराए हुए ये लोग हैं। और जिस दिन मोदी जी 2014 में आए थे उन्होंने कहा था चाहे कोई हो अगर वो भ्रष्टाचारी है तो जेल के पीछे हो, सलाखों के पीछे होगा, वही हुआ जो आप देख रहे हैं झारखंड में। अगर वो गलत नहीं थे तो कोर्ट जाते, क्यों नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी चोरी बीमारी साफ पकड़ी जाती है। रही बात दिल्ली में, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्या हुआ, क्यों नहीं आज तक मनीष सिसोदिया बाहर आ पाए, वो तो कोर्ट भी गए थे, इतने ईमानदार थे तो क्यों आज तक उनको बेल नहीं मिली, क्यों सतीन जैन को बेल नहीं मिली, वो तो वहां किस टाइप के उनके वीडियोस आते हैं आप सबने देखा है। तो जो मुखौटा इन्होंने पहन के रखा है कि हम बहुत सच्चे हैं, बहुत ईमानदार हैं, और जिनका प्रयास था कि हम पूरी दिल्ली को शराब के शराब खाना बना देंगे वो असफल हुआ है। और अगर इतना ही डर था केजरीवाल क्यों नहीं प्रस्तुत हुए ईडी के सामने इतनी बार। देखिये एजेंसियां स्वतः अपना कार्य करेंगी। अभी बीच में एक और डिबेट पे किसी संबंधित चैनल पे ही अमित शाह जी से पूछा गया था, हालांकि हमारे विरोधी के लिए था वो कि आप इन पे कार्रवाई किस तरह चल रही है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने बोला भाई एजेंसीज अपना काम करती हैं और स्वतः है अपना काम करेंगी। केजरीवाल जी को बुलाया गया, गए नहीं, उनके सारे साथी जो उनके साथ इस काम में मिली भगत में थे सब जेल के अंदर है, बार बार बेल उनकी रिजेक्ट हो रही है, क्या दर्शाता है। और रही बात जनता की, जनता अपना फैसला सुना रही है, सबको प्रधानमंत्री मोदी पे पूर्ण विश्वास है, और इन लोगों ने प्रयास 2014 में किया, 2000 उसके बाद इन्होंने फिर 19 में किया, और फिर देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ही पुनः चुन के आएंगे। क्या हुआ था केजरीवाल जब वाराणसी गए थे चुनाव लड़ने, सब जानते हैं जनता किसकी तरफ है, खैर वो विषय आज नहीं है, विषय ये है चोरी बेमानी और डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल अपने को साफ स्वच्छ पवित्र बताते थे बट सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने झारखंड के लिए बोली कि सत्ता तोड़वा के अपनी सरकार बिठवाना, झारखंड में हमारी सरकार तो नहीं बनी, झारखंड में उन्हीं के दूसरे सीएम बन रहे हैं, वहां कोई सरकार तो नहीं गिरेगी। बिहार में जब वो त्रस्त गठबंधन हो गया, देखिए INDI गठबंधन कुछ है ही नहीं, कहां पे है मुझे बता दीजिए, कहां पे दिख रहा है आपको गठबंधन, और गठबंधन तो पूरी तरीके से फेल है, उनका एक नेता नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा दबाया जा रहा था चीजों को, ममता दीदी अलग हो गई, इधर से नीतीश कुमार अलग हो गए, और देखिए जैसे जैसे चुनाव जैसे जैसे बिल्कुल बचता जाएगा, ये जितने बचे कुछ हैं वो भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि ना इनके पास नीति है, भाजपा के अंदर हो या जो हमारी वर्तमान कैबिनेट है, जनता में बार बार इतने अपार प्रेम के साथ क्यों चुन रही है, कहीं ना कहीं वो मोदी जी की कार्यशैली है, चाहे वो गुजरात में रही हो चाहे वो आज केंद्र में हो, सबको पता है मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ना आप पक्ष पे सोचिए कि कोई अपनी पावर का या इन सब चीजों का मिसयूज कर सकता है, और जब इधर नहीं तो उधर तो भूल ही जाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस नीति दी थी भ्रष्टाचार के ऊपर, तो वो बिल्कुल फॉलो हो रही है, तो भैया क्यों नहीं कोर्ट से बेल पा जाते हो, क्यों आपको जेल में सालों से रहना पड़ रहा है, और केजरीवाल जी जानते हैं कि इस घोटाले में उनका बराबर से हाथ रहा है, अगर वो ईडी के सामने जाएंगे तो प्रत्येक विश्वास हो चाहे बहुत से योगेंद्र जी हो, बहुतों ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या होता है, ये जग जाहिर है कि ये कितने बड़े दूर।